झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाकों में बाढ़ ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। गंगा के जलस्तर में एकाएक हुई बढ़ोतरी से कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे उन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस बीच साहिबगंज में बाढ़ को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहाँ जिला परिषद उपाध्यक्ष ने किसी भी जनप्रतिनिधि के हालात की सुध न लेने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने हेमंत सरकार और उनके प्रशासन पर हमला बोला और तुरंत राहत कार्य शुरू करने की मांग की। भारी बारिश और बिहार की नदियों में उफान का असर झारखंड में भी दिख रहा है। दरअसल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से साहिबगंज जिले में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले के दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। वहीं नदी के कटाव से कई घर पानी में विलीन हो रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ के चलते लोगों को खाना, पानी, दवा और मवेशियों के चारा की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ मैंने वही नाई का समस्या है, वही चारा वाला समस्या है, पानी ज्यादा हो गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, आने जाने का कोई साधन नहीं है। अभी हम लोग बाढ़ से बहुत प्रभावित हैं, बाल बच्चा लेके माल मवेशी लेकर हम लोग बहुत प्रभावित हैं। अभी तक हम लोग के सरकारी तहत से कोई ऐसा मन सुविधा नहीं आई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के नाम पर अब तक प्रशासन की ओर से कुछ खास उपलब्ध नहीं कराया गया है। महीने भर पहले जब गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी, उस समय प्रशासन की ओर से 5 किलो चूड़ा और गुड़ दिया गया था, लेकिन वो चूड़ा महज 3 से 3.5 किलो ही था। अब एक बार फिर गंगा के जलस्तर में एकाएक बढ़ोतरी हुई है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बहुत भयावह स्थिति है, स्थिति में बहुत जगह में कटाव का भी स्थिति है, बहुत जगह घर भस गया। इसे गरम टोला में 50-60 घर भस गया, 40-50 घर आपका मान के चलिए टोकरा बस्ती में भस गया। जिले में बाढ़ से ग्रामीणों के सामने भोजन, पानी, दवाई, पशु चारा सहित तो रहने जैसी तमाम समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने हालात को लेकर जिला प्रशासन पर निशाना साधा। चाहे आप बात करें कारगिल दियारा की, बात करें रामपुर दियारा की, बात करें पालपुर दियारा है, नारायणपुर दियारा कॉलोनी नंबर 10 है, उधवा का दियारा क्षेत्र है, तो चारों तरफ त्राहिमाम है और प्रशासन मौन बैठा हुआ है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वो जल्द राहत कार्य शुरू करने जा रही है। जहाँ जहाँ पानी पहुंची है वहाँ हम लोग अभी विजिट करने जा रहे हैं और राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। राहत सामग्री की व्यवस्था हमारे पास भरपूर है। साहिबगंज में गंगा नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर से बह रही है। पिछले महीने भी गंगा नदी का पानी बहुत बढ़ गया था, लेकिन इस बार हालात ज्यादा खराब हैं। पंकज वर्मा, जी मीडिया, साहिबगंज।